सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और अभी हम जा रहे हैं राजीव जी से मिलने। ये हैं ओनर सेंट जेवियर स्कूल बस्ती के। इनकी चौरी चौरा में भी ब्रांच है और एक ब्रांच इन्होंने और बस्ती में एक और खोली है जूनियर की। तो आज हमारी मुलाकात होनी है उनसे, उन्होंने टाइम दिया है, तो हम ऑन द वे हैं अभी उनके घर के लिए, उनके रेसिडेंस के लिए। अनुपम साथ में है हमारे और गाड़ी चला रहे हैं, और अभी हम थोड़ा सा ट्रैफिक में हैं बस ऑन द वे पहुंचते हुए। तो आगे चलते हैं, आपसे उनकी मुलाकात करवाते हैं और पूछते हैं उनसे कुछ कि क्या उनका सोचना है ये सिचुएशन के बारे में और कैसे वो ओवरकम कर रहे हैं सिचुएशन को, और उनके थॉट्स जानते हैं। तो चलिए आपको मिलवाते हैं राजीव कुमार जी से, डायरेक्टर ओनर ऑफ सेंट जेवियर स्कूल बस्ती। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और अभी हम हैं राजीव भैया के साथ में। राजीव भैया से मुलाकात हम लोग की बहुत पुरानी है, मेरे ख्याल से तकरीबन 15-16 साल हो गए होंगे, और कभी ये मौका नहीं मिला कि इन सब चीज़ों पे बात हो सके या इन सब चीज़ों पे कोई डिस्कशन हो सके। तो आज भैया से बात हुई तो हमें ये मौका मिला कि हम इनसे इनका व्यू जाने, जो करंट सिचुएशन चल रही है या जो चीज़ें चल रही हैं उसके ऊपर, और वो व्यूज़ आपके साथ शेयर करें। सो मिलाते हैं आपको राजीव भैया से और शुरू करते हैं इस डिस्कशन को आपके साथ। सो राजीव भैया, थैंक यू सो मच आपका टाइम देने के लिए, और बहुत समय बाद ये मौका मिला कि आपसे ये जान सकें कि कैसे आपने ये चीज़ की शुरुआत की। कभी ये सिचुएशन नहीं आई थी, तो खैर ये नए सिचुएशन की वजह से हम लोग को भी ये जानने को मौका मिला है कि कैसे आपने शुरुआत की और कैसे यहाँ तक पहुँचे। तो शुरू से ही हमारा शिक्षा के प्रति काफ़ी लगाव रहा है। जब मैं 10th क्लास में था तो मैं ऐसे जगह से बिलोंग करता हूँ जहाँ इसका काफ़ी अभाव था, और मैंने अपनी बुनियादी शिक्षा में भी इस अभाव को बहुत महसूस किया। तो मेरे मन में हमेशा ये विचार आया कि आगे चलकर मैं भी एक इस लाइन में आऊँगा और लोगों को एक शिक्षा प्रदान करूँगा। तो ये मेरे मन में बहुत पहले से थी कि मैं बड़ा होकर आगे चलकर एक स्कूल स्थापित करूँगा। ये दौर जब 10th 12th मैंने पास किया, ग्रेजुएशन में गए, BBA किया, MBA किया, है ना, उसके बाद फिर मैंने एक स्कूल में इसका एक्सपीरियंस भी लिया कि आखिर कैसे इफ एंड बट अप्स एंड डाउन कैसे होते हैं, क्या चीज़ें हैं, क्या मैनेजमेंट है, है ना। फिर उसके बाद 1999 में मैं बस्ती आया। मैंने काफ़ी यूपी के काफ़ी सारे स्कूलों की मतलब दौरा किया, काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट में घूमे, फिर एक सुटेबल प्लेस मुझे नज़र आया कि बस्ती एक ऐसी जगह थी जो कि काफ़ी पिछड़ा हुआ था, और जहाँ सही मायने में एक अच्छे स्कूल की ज़रूरत थी। मैंने 1999 में वहाँ स्कूल की स्थापना की और 2000 में मेरी पहली सेशन वहाँ शुरू किया। चूँकि शुरुआती बुनियादी ढांचा मैंने बहुत ही अच्छा सेटअप दिया था वहाँ, है ना, जिसके कारण पहले साल ही मुझे लगभग 700 बच्चे मेरे स्कूल में फर्स्ट ईयर ही एडमिशन किया। और जबकि हम एक रेंटेड बिल्डिंग में थे, है ना, और ये सिर्फ उस जिले का टॉक ऑफ द थीम नहीं था, बल्कि आसपास के जितने भी जिले थे सब में ये चर्चा का विषय था कि उस समय पहले साल में 700 बच्चे होना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात मानी जाती थी 1999-2000, है ना, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में उतने लोगों की भी उस समय रुचि नहीं थी, है ना। तो आसपास की जितनी भी जिले थी सब में मैं कहीं से भी गुजरता था तो सब
चर्चाएं बड़ी चलती थी कि नहीं, एक बहुत अच्छा सेटअप दिया है। तुरंत ही मैंने वहाँ पे 2 एकड़ लैंड एक्वायर किया है ना, जो कि आज 7 एकड़ तक पहुँच चुकी है। तुरंत बिल्डिंग मैंने कंस्ट्रक्शन शुरू किया, NOC के लिए सेक्रेटरीट में अप्लाई किया, NOC लिया, CBSE से मैंने 2004 में मान्यता ली। बच्चों की मतलब उस जिले में एक स्कूल होती थी सेंट बेसिल्स, उसका एक अब लोगों को एक अल्टरनेट ऑप्शन मिलने लगा था है ना, कि नहीं अब हमारे बच्चे अगर यहाँ नहीं है तो वहाँ भी बहुत अच्छी शिक्षा पा सकते हैं। और वो हमने दिनों तक दिया भी, और बाकी सभी जिले के जितने लोगों का सब सहयोग रहा, ये स्कूल हर साल अपने स्ट्रेंथ को आगे बढ़ाती रही। हमारे उसके बाद हमने वहाँ हमारी 2 ब्रांचेज हो गई, जहाँ एक ब्रांचेज में लगभग 2100 के करीब बच्चे हैं, दूसरी में 600 समथिंग। अब ऐसी सिचुएशन में स्कूल वहाँ पे काफ़ी अच्छे से चल रहे थे, काफ़ी स्कूल बढ़े भी, क्योंकि ये लोगों की एक मानसिकता होती है, जहाँ भी जो चीज़ें एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ी होती है तो उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें आती हैं, और जिसका नतीजा रहा कि आज के समय में बस्ती जैसे ज़िले में, बस्ती जैसे शहर में 30 से ऊपर CBSE एफिलिएटेड स्कूल है। क्या बात है ना, तो पहली मतलब आप अगर केंद्रीय विद्यालय को छोड़ दें, एक महर्षि विद्या मंदिर थी, केंद्रीय विद्यालय थे, सरस्वती थी है ना, उसके बाद मैंने एक इंग्लिश मीडियम CBSE स्कूल की स्थापना की थी। पिछले साल कोविड का दौर आया है ना, लगभग हमें ही नहीं बहुत सारे स्कूल को लगभग इस दौर में झकझोर कर रख दिया। हम जिस स्कूलों में मतलब 9 to 12 पुरानी स्कूल है, हम लोग की स्कूल 20 साल की थी, 25 साल की थी, कोई स्कूल 40 साल की है ना, अपने आप को स्टैंड करने की काफ़ी कोशिश किया सबने, और कुछ लोग स्टैंड अभी भी हैं, लेकिन फिर भी जो उनकी पुरानी बैकग्राउंड थी उसके कारण वो आज यहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, फिर भी बहुत ही परेशानियों के साथ। अभी अभी जैसे मैंने जिक्र किया था कि पेरेंट्स मतलब फी कुछ पेरेंट्स तो देना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ संगठन हैं जो जगह जगह ये अफवाहें फैला रही है कि स्कूल नहीं तो फी नहीं है, और जिसका नतीजा ये क्या हो रहा है कि जो रेगुलर पेरेंट्स भी फी जमा कर रहे थे उनकी संख्या में काफ़ी कमी आई है, और ये हम सब स्कूलों के अपनी इकोनॉमिक पे, अपनी आर्थिक पोजीशन पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा है। हमें अपने शिक्षकों को पेमेंट देना पड़ रहा है हर महीने, उनकी क्लासेज ऑनलाइन ही भले चल रही है, लेकिन ये इतनी बड़ी चैलेंज है। लोग समझ रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस ऐसी चल रहे हैं, बच्चों को कुछ उससे नहीं मिल रहा है, लेकिन मैंने जब देखा है कि मैंने ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट करा रहा हूँ, ऑनलाइन BTM कंडक्ट करा रहा हूँ, ऑनलाइन एग्जामिनेशन बच्चों के कंडक्ट हो रहे हैं, उनकी क्लासेस चल रहे हैं, बच्चों का फीडबैक ले रहा हूँ, बच्चों की कम्युनिकेशन टीचर से एवरी इवनिंग को करवा रहा हूँ है ना, तो जो बच्चे जुड़े हैं अपने टीचर्स के साथ उनमें इम्प्रूवमेंट तो ज़रूर है, लेकिन इस चीज़ों को ना ही सरकार समझ रही है और ना ही कुछ संगठन समझ रहे हैं। वो हमेशा इस बात की चर्चा करते हैं कि स्कूल नहीं चल रही है तो फी नहीं देंगे, और जिसका नतीजा ये हो रहा है कि 9th to 8th तक चलने वाले स्कूल मैक्सिमम बंद हो चुके हैं। बिल्कुल सही, वही बच्चे हर चीज़ हर काम को कर रहे हैं है ना बिनिंग, और लेकिन उनको स्कूल अगर जाना है तो उन बच्चों को रोका जा रहा है, रोका जा रहा है ना, कि नहीं पहले आप पेरेंट्स से परमिशन लेना, ठीक है हम लोग सारी गाइडलाइंस फॉलो करने के लिए तैयार हैं। इवन हम लोग स्कूल में आप देखेंगे तो जगह जगह सैनिटाइजर लगे हुए हैं, डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए जगह जगह सर्कल बनाए गए हैं है ना। क्लासेस में हमने अभी 9 to 12 की क्लासेस ऐसे शुरू की है कि न प्रेयर हो रहे हैं, न टिफिन हो रहे हैं है ना, राइट। मॉर्निंग में बच्चे आते हैं, पहली पीरियड में जिस सीट पे बच्चा बैठा छुट्टी तक 5 या 6 पीरियड जो भी है उसी सीट पर वो पीरियड ख़त्म कर घर चला जाएगा।
फिर जैसे ही क्लासेस खत्म होते हैं हम पूरी क्लास को सैनिटाइज कर देते हैं, अगले दिन के लिए क्लास रेडी कर देते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो सारी चीज़ें हम नॉर्म्स पालन कर रहे हैं उस चीज़ों का। लेकिन अब ये है कि अगर सरकार की तरफ से हम लोग को सपोर्ट मिले तो हम लोग इस अगले साल सर्वाइव करने के जगह रहेंगे। मैक्सिमम गाड़ियों का परमिट फिटनेस सब लास्ट ईयर अप्रैल में ख़त्म, मार्च में ख़त्म हो गया है ना। जस्ट मार्च में ही हमने उसकी सबकी रिन्यूअल कराए थे, इंश्योरेंस, फिटनेस, परमिट जिसकी थी है ना, और पूरे साल वो ख़त्म हो गए। और इस मार्च में बिना गाड़ी को चलाए हुए पूरे साल EMI दिए मैंने, ट्रांसपोर्ट फी लेनी नहीं है स्टूडेंट से, डेट ऑलरेडी गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर जारी कर दिया है, है ना। तो पूरे साल हमने उसको गाड़ी को खड़ी करके रखा और अब मार्च में ऐसा समय आया कि मुझे फिर से उसकी रिन्यूअल करने वाला है। सही बात। तो ऐसे में तो स्कूलों पे मार तो पड़ी रही, बिना फी पूरी रिसोर्सेस के बिना EMI को देने पड़ रहे हैं, जो भी हैं जिन्होंने लोन ले रखा है उनके लोन जमा करने पड़ रहे हैं, है ना। तो अब इसमें तो हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट सपोर्ट करे, गवर्नमेंट खुलकर आगे आए, है ना, और भी जो NGO है वो भी आगे आए, है ना, क्योंकि एजुकेशन एक किसी भी देश का पिलर होता है और हमें सबसे प्राथमिकता इसको देनी पड़ी और देना चाहिए, है ना। तो हमको बाकी सब चीज़ों को ठीक है, इकोनॉमिकली हम डेवलप्ड हो जाएंगे, अगर एजुकेशन मेरा नहीं रहेगा तो हम उस टारगेट को नहीं अचीव कर सकते हैं। बिल्कुल सर। तो हम तो सबसे पहले इस एजुकेशन डिपार्टमेंट को ऐसे जगह पे खड़ा करें कि जहाँ कितनी भी आंधी तूफान आ जाए, है ना, लेकिन इसको कोई असर ना पड़े, हमारी सपोर्ट, हमें लगे कि हमारे पीछे कोई ना कोई खड़ा है। सही, है ना। तो हम अपनी बात तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी स्कूलें हैं, है ना, जो हमसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जो नए नए खुले हैं, जो 8-10 सालों में हैं, जिनकी स्ट्रेंथ कम है, है ना, लेकिन उनकी सिचुएशन आप देख लेंगे, उनके टीचर्स, शिक्षक ऐसे हैं जिनको मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वो ठेला चला रहे हैं, अब ब्लीम नहीं करेंगे, ड्यूरिंग कोविड कुछ इसको, तो ये सिचुएशन अगर झेला है स्कूलों ने, तो अब तो हम चाहेंगे कि आने वाले साल में सरकार और संगठन की ऐसी हम लोग को साथ मिले, जो हम जो गिर चुके हैं और जो बहुत ही दब गए हैं वो फिर से उठ खड़े हो। बाकी वे जो अभी नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, जो NEP का चल रहा है कि इम्प्लीमेंट होनी है, तो क्या आपकी क्या राय है, कैसे वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है या आने वाले टाइम पर उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, NEP में जो बातें कही गई है, ऐसा नहीं है कि हमारी पिछली शिक्षा एजुकेशन पॉलिसी में वो बातें नहीं थी, है सब, लेकिन मेन मुद्दा रह जाता है इम्प्लीमेंटेशन का। करेक्ट। अगर उसे भी अगर सही ढंग से इम्प्लीमेंट किया गया रहता जो बातें उसमें कही गई हैं, जी, तो आज हमारी शिक्षा की स्थिति और जगह कहीं और, इसमें बहुत ही अच्छी बातें कही गई है, वहीं से फीडबैक लिया गया है, उसी बात को आगे तक बढ़ाया गया है इसमें, है ना। अगर इम्प्लीमेंटेशन सही से होता है, स्कूलों में ट्रेनिंग, वर्कशॉप, है ना, गवर्नमेंट की तरफ से हर फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती और सपोर्ट दिए जाते हैं, तब तो ये नई शिक्षा नीति जो है काम करेगी, नहीं तो फिर इसका हाल वही होगा जो CC का हुआ और पुरानी शिक्षा नीति का हुआ। मतलब बैकबोन स्ट्रांग होनी जरूरी है कोई भी चीज़ इम्प्लीमेंट करने के। इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है। देखिए, पेपर में चीज़ों को ड्राफ्टिंग कर देना इज अ डिफरेंट थिंग्स, जी, ग्राउंड पे उसको ले आना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है ना। तो सही मायने में ये शिक्षा नीति तभी सक्सेसफुल होगी जब इसको हम ग्राउंड पे ला कर रखेंगे, है ना सर। और हमारी हम लोग की पूरी सपोर्ट है, कोशिशें हैं कि ये इम्प्लीमेंटेशन सही से हो, हम अपने स्कूल में पूरी कोशिश पूरी तरह से कर रहे हैं इसको कि लाएं। अब ये है कि अब इसमें सरकार की तरफ से एक स्टेप्स हमेशा उठने चाहिए जहाँ स्कूलों को जिस लेवल पे जिस तरह से जो ज़रूरत है उसको पूरा करना चाहिए, है ना, बुक्स की जो फ्रेमिंग है ना उसको देखना चाहिए, क्योंकि इस नई शिक्षा नीति में वोकेशनल कोर्सेज पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है। जी जी, है ना। तो बच्चे अच्छी चीज़ें, बच्चों के लिए तो ये अच्छी चीज़ें हैं कि बच्चे 6, 7, 8 से ही इस चीज़ों को
पहले से मान के चले कि हमें किस लाइन में कहाँ जाना है, बट इसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत बड़ी इशू है। अगर उसको सही से अगर सरकार पहले गवर्नमेंट से लेकर प्राइमरी स्कूल से लेकर सारी स्कूलों तक अच्छे से इम्प्लीमेंट करे, हम लोग तो पूरी तरह से तैयार हैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए, है ना, और अच्छे तरह से इसको अपने स्कूल में इम्प्लीमेंट करने के लिए। बस हमें सपोर्ट की ज़रूरत है, ये कोविड पीरियड सही से निकल जाए हम लोगों का, है ना। सो भैया, आखिरी चीज़ आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या मैसेज देना चाहेंगे आप पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को, टीचर्स को या आम पब्लिक को, कि कैसे आगे चीज़ों को देखा जाए, कैसे चीज़ों को चलाया जाए। देखिए, हम पेरेंट्स, आम पब्लिक और बच्चे शिक्षक को यही मैसेज देना चाहेंगे कि देखिए, बाधाएं तो आती हैं जीवन में, हमेशा दुख और सुख का साथ लगा रहता है। ये पीरियड आया कोविड पीरियड, और ये चला भी जाएगा। अब इसमें सबसे बड़ी जरूरत है कि इस कठिन समय में पेरेंट्स, टीचर्स, सरकार, हम स्कूलों का साथ दें, हमारे मनोबल को आगे बढ़ाएं, हमें जहां दिक्कतें हो रही हैं वहां सपोर्ट करें, हमें आगे बढ़ने में मदद करें, ताकि हम इस कठिन घड़ी का को पार कर फिर से वैसी शिक्षा की व्यवस्था कर पाएं जो पहले दे रहे थे। तो हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द हमारी स्कूल खुले, हमारे पेरेंट्स सपोर्ट करें, स्कूलों को जो आर्थिक नुकसान हो रहा है उसमें अपनी से आगे बढ़ चढ़ कर सहयोग करें, ताकि यही स्कूल, यही शिक्षक उनके बच्चे के भविष्य को आगे संवारेंगे। अगर आज यही टूट गए तो फिर बहुत मुश्किल होगा हमको उन बच्चों को फिर से खड़ा करना जिनकी बदौलत वो अभी तक चल रहे थे। तो ये वो हम आशा करते हैं कि हमारी सामाजिक व्यवस्था, हमारे पेरेंट्स, हमारी सरकार सब स्कूल को, स्कूल के शिक्षक को सपोर्ट करें, आगे जब स्कूल खुलेंगे तो अच्छे मनोबल के साथ बच्चों का हौसला बना सके। थैंक यू सो मच भैया, कितने अच्छे तरीके से भैया ने चीज़ों को एक्सप्लेन किया। सो थैंक यू सो मच आपका टाइम देने के लिए। और हमारी कोशिश सिर्फ ये है कि हम जो स्कूलों की चीज़ें हैं, एक अच्छी चीज़ें हैं जो प्राइवेट स्कूल जिस हिसाब से चीज़ों को मैनेज करते हैं, या प्राइवेट स्कूलों जिस तरीके से एजुकेशन को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, तो हम उनका अच्छा पहलू भी आप लोग तक पहुँचाएँ। तो हमारी सिर्फ ये कोशिश थी एक छोटी सी। तो अगर आपको ये चीज़ें पसंद आती हैं, अगर आप इसमें अपनी राय देना चाहते हैं, तो यू कैन शेयर योर कमेंट, और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, और अपने व्यूज़ को अगर हो सके तो ज़रूर लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। अभी हम निकले हैं राजीव जी से मुलाकात करके, जो सेंट जेवियर स्कूल के कर्ता धर्ता हैं, जिन्होंने इस स्कूल की शुरुआत की थी, और इनके व्यूज़ हमने जाने और आपके साथ शेयर किए। ये वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर है बट यूज़फुल है, तो आप इसको लास्ट तक देखें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और अपने थॉट्स हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएं, ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे और हम आगे भी इस तरीके से इंटरव्यूज़ करते रहें, पूछते रहें, लोगों से मुलाकात करते रहें, उनसे बातचीत करते रहें, और आपके साथ आने वाले टाइम पे इन सारी चीज़ों को, इन सारी इन्फॉर्मेशन को जो रिलेटेड है स्कूल से, एजुकेशन से, आपके साथ शेयर करते रहें। तो थैंक यू सो मच आपके सपोर्ट के लिए जो आपने अभी तक किया। आने वाले टाइम पे हम और भी इस तरीके के थॉट्स स्कूल के ओनर से, डायरेक्टर से लेते रहेंगे और आपके साथ शेयर करते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर सपोर्ट, योर लव फॉर दिस चैनल। प्लीज कीप सपोर्टिंग अस, क्योंकि आपके व्यूज से, आपके कमेंट से, आपके शेयर के और आपके लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, और इसी के बेस पे हम और वीडियोस बनाते हैं। तो थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे, थैंक यू सो मच।